अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पूरे परिवार सहित एक महिला मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गई। पीड़िता अपने बच्चों के साथ एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठी है। पीड़िता के पति मुकेश कुमार सिन्हा की मार्च महीने में हत्या कर दी गई थी। मुकेश कुमार सिन्हा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। मुकेश की पत्नी रीचा का आरोप है कि उसके परिवार के लोगों ने मुकेश की हत्या की साजिश रची और बाद में पुलिस के साथ मिलकर सब कुछ मैनेज कर लिया। पीड़िता अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची है। मुकेश की पत्नी रीचा का कहना है कि उसने पटना पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद वह थक हार कर अपने बच्चों के साथ न्याय के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठी है। अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने और मुकेश मर्डर केस में जाँच CBI से कराने की मांग पीड़िता कर रही है। इस न्यूज के सह प्रायोजक है जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड, मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज, नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।